हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इतना ज़्यादा ग्लास क्यों? एक्चुअली आज का टॉपिक है स्मोकी विस्की। अब स्मोकी विस्की क्या है, बहुत से लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि व्हाट इज़ स्मोकी विस्की। और जब मैं रिव्यू करता हूँ बताता हूँ कि इसमें स्मोक मिल रहा है, तो काफ़ी क्वेश्चन आता है कि ये स्मोक कहाँ विस्की में आता है। तो आई थिंक इसके ऊपर ज़रा डिस्कस करने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप याद कीजिए, कभी अगर कुछ लकड़ी के चूल्हे पे बना हुआ खाना अगर आप लोग को खाने का मौका मिलता है तो आप ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। एक्चुअली उसमें थोड़ा सा स्मोक का टच होता है। अभी आप देखिए, अगर आप तंदूरी चिकन या चिकन जो चारकोल के ऊपर जो ग्रिल्ड चिकन होता है वो आप खाते हैं, और वही अगर आपने घर में माइक्रोवेव में अगर या ओवन में उसको अगर रोस्ट किया है, तो दोनों में टेस्ट में काफ़ी डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस होता है एक्चुअली स्मोक का। आजकल आप देखते होंगे बहुत जगह चाय जो है वो उसमें भी स्मोकी टच देने का तरीका आ गया है। दो तीन तरीका है। बहुत लोग क्या करते हैं, मिट्टी के बर्तन को पहले वो गर्म करते हैं, उसके बाद उसमें दूध डालते हैं, तो एक बार तेज से धुआं निकलता है, दूध थोड़ा एक्चुअली जलता है, थोड़ा स्मोक निकलता है, और उस चाय में स्मोकी टच आ जाता है। बहुत लोग क्या है कि वो कोयले में कुछ मिट्टी के बर्तन को गर्म करके और उसको फिर चाय में डालते हैं, उससे भी स्मोकी टच आता है। अच्छा, तो ये सब तो खाने पीने की बात हो गई, चाय की बात हो गई, लेकिन विस्की में स्मोक कैसे आता है? तो ये भी बड़ा सिंपल है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो स्कॉच विस्की स्पेशली वो बनता है माल्ट से। माल्ट इज़ व्हाट? बार्ली। बार्ली जिसका जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ है और उसको फिर उसका जर्मिनेशन को स्टॉप किया जाता है उसको गर्म करके। गर्म करने का जो तरीका है वो स्कॉटलैंड में स्पेशली पीट यूज़ किया जाता है। पीट क्या है, एक आप उसको ऐसे समझिए, इट्स लाइक अ कोल, बट वो गीला कोल होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। जब उसको जलाया जाता है तो उसमें बहुत सारा धुआं निकलता है, ठीक है? तो उसी धुएं से गर्म हो करके जर्मिनेटेड बार्ली जो है, अंकुर जो जिसमें निकला हुआ जौ, उसका क्या है कि वो जर्मिनेशन उसका स्टॉप हो जाता है और तब वो कहलाता है माल्ट। लेकिन इतना ज़्यादा धुआं वो पीट से निकलता है और वो जो क्या है बार्ली जो है जो जर्मिनेट हो रहा है वो सारा धुआं को एब्जॉर्ब कर लेता है, और वही स्मोक डिस्टिलेशन के बाद जो अल्कोहल जो मिलता है उसमें भी कंटिन्यू रहता है। तो ये कहानी है स्मोक का। तो आज हम लोग एक्चुअली मेरे पर्सनल बार में जितना भी मेरे को विस्की नज़र आया जो स्मोकी विस्की है वो सब मैं आज उठा करके ले आया हूँ। तो देखते हैं कि चार पांच विस्की का मैं भी यहाँ पे नोजिंग टेस्टिंग करूँगा, तो ये आपको बताने की कोशिश करूँगा कि किस विस्की में सबसे ज़्यादा स्मोक है, और ओवरऑल स्मोक के साथ ओवरऑल जो विस्की का जो टेस्ट है वो कैसा महसूस हो रहा है, कौन सा विस्की में स्मोक जो है वो उसके टेस्ट को कॉम्प्लीमेंट करके और बहुत बेहतरीन टेस्ट आपको ऑफ़र कर रहा है, ठीक है? उस पर बढ़ने के पहले मैंने यहाँ पे एक ये रखा है परफ्यूम, ये बियर्डो का एक परफ्यूम है और इसका नाम है विस्की स्मोक। तो आप लोग में से जिन लोगों को अभी तक विस्की में स्मोक कैसा होता है पता नहीं रहता है, तो मैं आप लोगों को, हालांकि पहले आप लोगों को बता दूँ ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, सिंस आई लाइक स्मोकी विस्की तो मैं ये विस्की स्मोक परफ्यूम भी यूज़ करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने महसूस किया है कि जब भी कभी मैं अगर ये परफ्यूम अप्लाई करके जाता हूँ कहीं, तो लोग पूछते हैं एक बार कि आपने कौन सा परफ्यूम यूज़ किया है। तो आप लोग में से जिनको अगर विस्की स्मोक पसंद है तो ये परफ्यूम आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, ये इतना ज़बरदस्त वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से, प्लीज़ जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को अभी तक, ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करने में ज़्यादा क्या है, ज़रूर लाइक कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, सो दैट कि उनको भी अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने का मौका मिले। स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले मेरे पास 3 स्कॉच विस्की है। नंबर 1 इज़ दिस ब्लैक एंड वाइट, तो एक एक करके डालता जाता हूँ, छोटा छोटा सिप डालूँगा। यस, तो दिस वन इज़ ब्लैक एंड वाइट, इसको मैं ऐसे यहीं रखता हूँ सो दैट कि पता चले किसमें मैंने क्या डाला है। नंबर 2 मेरे पास जो है दैट इज़ डीवर्स वाइट लेबल, ये भी स्मोकी विस्की है, तो यहाँ पे मैंने डाल लिया डीवर्स। एक लाइन से ऐसे रखता जाता हूँ सो दैट कि पता चलता रहे। थर्ड इज़ टीचर्स 50। टीचर्स में क्या है, जो एक टीचर्स हाईलैंड क्रीम आता है उसमें बहुत कम स्मोक होता है,
बट दिस इज़ टीचर्स 50, ये अच्छा खासा स्मोकी विस्की के तौर पे जाना जाता है। तो ये आ गई टीचर्स 50, ओके इसको चलिए यहाँ रखता हूँ मैं टीचर्स 50 को। तो ये तीन स्कॉच हो गई। इसके बाद दिस वन इज़ एक्चुअली ओल्ड दरबार ब्लैक चिमनी, ये भी स्कॉच विस्की है बट इसका क्या है, दिस इज़ नेपाली विस्की, ये नेपाल का विस्की है और इसका जो नाम है ओल्ड दरबार ब्लैक चिमनी, ब्लैक कलर का बॉटल है, नाम से ही पता चलता है कि इट्स अ स्मोकी विस्की। और मैंने ट्राई किया है इसका भी रिव्यू, एक्चुअली यहाँ पे जितना भी विस्की मैं दिखा रहा हूँ ये सबका रिव्यू मैंने किया है, चैनल पे अवेलेबल है, सबका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग किसी का भी इनमें से रिव्यू अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो दिस वन इज़ वेरी गुड स्मोकी विस्की, और जितना भी बजट स्कॉच विस्की अवेलेबल है इंडिया में आई थिंक ये किसी से भी कॉम्पीट करता है। तो इसमें हम लोग लेते हैं, दिस इज ओल्ड दरबार ब्लैक चिमनी, इसको मैं रखता हूँ यहाँ पे। अच्छा अब ये क्या है, ग्लेन करन ग्लास मेरे पास सिर्फ चार ही था, ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है, तो पांचवा एक और विस्की, एक इंडियन विस्की मैं ले रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि छोटा ग्लास में लूँगा तो आई कैन स्निफ ईजिली। दिस वन इज़ इंडियन विस्की, ये है स्टार वॉकर और ये भी बहुत शानदार स्मोकी विस्की है। तो इस छोटे से ग्लास में स्टार वॉकर, इसको रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो दिस वन इज़ ब्लैक एंड वाइट, ये डिवर्स वाइट लेबल, दिस इज़ टीचर्स 50, ये ओल्ड दरबार ब्लैक चिमनी, और इसमें मैंने लिया है स्टार वॉकर। तो ये पांच विस्की है। अच्छा अब स्मोक का क्या है, स्मोक आपको स्निफ करते ही सबसे पहला, जैसे ही आप नोजिंग करते हैं तो स्मोक आपको मिल जाता है, उसके बाद टेस्ट में भी स्मोक पता चलता है, और जिसमें अगर बहुत हल्का स्मोक हो, आप अगर कुछ ड्रॉप वाटर मिलाते हैं, पानी मिलाने के बाद एक्चुअली स्मोक और उभर जाता है, स्मोक और वुडी ये दोनों फ्लेवर और उभरता है पानी मिला करके टेस्ट करने पे। हालांकि यहाँ पे जितना भी विस्की मैंने लिया है दे आर एक्चुअली वेरी स्मोकी विस्की, तो इसमें पानी मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं बारी बारी से इसको नोज़ करता हूँ, आपको बताता जाता हूँ। और एक चीज़ बताता जाऊँ, आज मैं सिर्फ जो भी नोज़ करूँगा या टेस्ट करूँगा उसमें सिर्फ स्मोक की बात करूँगा और ओवरऑल एक जो फील है उसका बात करूँगा, बाकी और क्या नोट्स मिल रहे हैं उसके बारे में चर्चा करने का आज का ये दिन नहीं है, ठीक है। तो इट्स वेरी गुड इसका जो स्मेल आ रहा है, और मैं कहना चाहूँगा कि स्मोक जो है वो एक्चुअली बहुत ओवर पावरिंग नहीं है इसमें, इट इज़ अ स्मोकी विस्की बट बहुत लाइट स्मोकी विस्की है, यस, बट ओवरऑल जो नोजिंग का जो फील है इट्स अ वेरी गुड। अब आते हैं नंबर टू पे जो कि ड्यूअर्स है वाइट लेबल। आई थिंक ओवरऑल जो नोजिंग का एक्सपीरियंस है उसमें ड्यूअर्स इज बेटर देन ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, लेकिन अगर स्मोक हैवी होने की बात की जाए तो वाइट लेवल में भी दिस इज ऑल्सो नॉट अ वेरी हैवी स्मोक काइंड ऑफ विस्की, बट ओवरऑल वेरी स्मूथ और वेरी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार इसका स्मेल है, लाइट स्मोकी विस्की, ओके। नाउ टीचर्स 50, इट्स अ स्ट्रॉन्ग विस्की एज कम्पेयर टू ब्लैक एंड वाइट एंड ड्यूअर्स, इट्स अ बिट स्ट्रॉन्ग विस्की, लेकिन बहुत प्रोमिनेंट है इसमें स्मोक। ओवरऑल जो है दिस इज बिट स्ट्रोंगर देन ब्लैक एंड वाइट एंड ड्यूअर्स, बट स्मोक का जो मज़ा है वो ज़बरदस्त है नोजिंग के टाइम पे, बाकी टेस्ट में फिर से हम लोग देखेंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर दिस ओल्ड दरबार ब्लैक चिमनी नेपाली विस्की, ब्लैक चिमनी नाम से ही लगता है कि ये ज़बरदस्त स्मोकी होगा, अभी नोज करके देखते हैं। वाओ दिस इज कॉल्ड धुआं धुआं धुआं, ज़बरदस्त स्मोकी विस्की है, और मैंने जब इसका रिव्यू किया था तब भी मैंने बताया था
ये उतना ही स्मोकी है जितना कि जॉनी वॉकर डबल ब्लैक होता है या फिर लेफ्रॉइग, उसको आप कंपेयर कर सकते हैं इससे। बाकी और कोई भी एंट्री लेवल जो स्कॉच विस्की है उसमें आपको इतना हेवी स्मोक नहीं मिलेगा। इवन टीचर्स 50 में भी, टीचर्स 50 जाना जाता है अपने हेवी स्मोक के लिए, इसमें उससे भी ज़्यादा स्मोक है। और ओवरऑल जो मज़ा है इसको स्मेल करने का, क्या कहूँ। तो अभी तक जो आई थिंक ये एक तरह से ही आया है ब्लैक एंड वाइट, और ड्यूअर्स में ऑलमोस्ट एक जैसा था स्मोक। इट्स अ स्मोकी विस्की बट बहुत ज़्यादा एविडेंट नहीं होता है। टीचर्स 50 इज़ वेरी मच स्मोकी विस्की और दिस वन इज़ स्मोक का तूफान। अब आते हैं हम लोग वेरी ओन इंडियन विस्की स्टार वॉकर। आई थिंक इसको भी मेरे को टीचर्स 50 के आसपास रखना चाहिए स्मोक के मामले में। अदरवाइज बाकी जो नोट्स जो मिलते हैं जो एक स्कॉच विस्की में, वो सारा उतना प्रोमिनेंट नहीं है। हालांकि इट्स ऑल्सो वेरी स्मूथ एज एनी स्कॉच विस्की, लेकिन स्मोक ज़बरदस्त है। यस, वेरी स्मोकी, मज़ा आ गया स्मेल करके। तो ये हुई बात नोजिंग की, अब एक एक करके इसको टेस्ट करते हैं। स्मोक के साथ साथ मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस बताता जाता हूँ। नोज के टाइम में जितना स्मोक समझ में आ रहा था, एक्चुअली टेस्ट में उससे ज़्यादा स्मोक आपको मिलता है। और ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है इसका, इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी स्मूथ, वेरी इजी टू ड्रिंक और स्मोक का मज़ा आ जाता है। नाउ ड्यूअर्स वाइट लेबल। ड्यूअर्स एक्चुअली क्या है, इट्स अ बिट स्ट्रॉन्गर देन दिस ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट इज वो ज़्यादा स्मूदर साइड में है। ड्यूअर्स वाइट लेवल में एक पंच है, ओवरऑल एक कैरेक्टर है विस्की में। और स्मोक आई थिंक ब्लैक एंड वाइट में ड्यूअर्स से थोड़ा ज़्यादा है, ड्यूअर्स में स्मोक टेस्ट के टाइम में थोड़ा सा कम मिला मेरे को। नाउ टीचर्स 50 की बारी। स्ट्रॉन्ग विस्की है, पंची विस्की है और उसके साथ साथ बहुत ज़बरदस्त स्मोक है, मज़ा आ जाता है। अगर आपको स्मोकी विस्की पसंद है, टीचर्स 50 आराम से आंख बंद करके आप ले सकते हैं। आई थिंक ये सारे स्टेट में अवेलेबल भी है, बाकी ब्लैक एंड वाइट ड्यूअर्स या और भी जो भी विस्की है, तो किसी एक स्टेट में मिलेगा, दूसरे में नहीं मिलेगा। आई थिंक टीचर्स इज़ अवेलेबल एवरीवेयर। तो सबसे ईजिली अवेलेबल स्मोकी विस्की अगर इंडिया में आपको चाहिए, तो आई थिंक टीचर्स 50 उसमें से एक रहेगा। अभी ओल्ड दरबार ब्लैक चिमनी की अगर बात करेंगे, सिंस मेरे पास ये पड़ा था तो मैंने ले आया यहाँ पे इसको नोज़ और टेस्ट करने के लिए। ये आपको आसानी से तो मिलेगा नहीं, इंडिया में तो मिलता ही नहीं है। आप अगर कभी नेपाल जाते हैं तब वहाँ पे आपको मिल सकता है। लेकिन टेस्ट के पहले ही मैं आपको कहना चाहूँगा, अमेजिंग विस्की है। जब भी आपका नेपाल जाना हो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। और अगर आपका जाना नहीं होता है, कोई आपके जान पहचान वाले, कोई आपके फ्रेंड्स रिलेटिव अगर नेपाल जाते हैं, तो आप उनको बोल सकते हैं वहाँ से ज़रूर आपके लिए ओल्ड दरबार स्पेशली ब्लैक चिमनी लेकर के आएँ। चलिए बारी इसकी टेस्ट की। मज़ा आ जाता है। ये तीन विस्की से डेफिनेटली एनी डे ये ज़्यादा मज़ेदार विस्की है। ज़बरदस्त स्मोक है, धुआं धुआं, वेरी स्ट्रॉन्ग पंच ऑफ स्मोक। और अगर स्मूथनेस की बात करें, तो आई थिंक इट इज़ स्मूथर देन दिस टीचर्स 50। ब्लैक एंड वाइट के जैसा ही स्मूथनेस है। ओवरऑल काफ़ी कॉम्प्लेक्स इसका टेस्ट है, बहुत मज़ेदार। और स्मोक के तो क्या कहने, मज़ा आ जाता है। अब लास्ट में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज़ नॉट इवन अ स्कॉच विस्की, ये इंडियन विस्की है, ब्लेंडेड विस्की है। डेफिनेटली स्कॉच मॉल्ट इसमें ब्लेंड किया जाता है, बट उसका क्या क्वांटिटी होगा आई डोंट नो। इट्स इकोनॉमिकल देन रेस्ट ऑल, 1000 रुपये से कम की विस्की है, लेकिन स्मोक होता है इसमें। अभी टेस्ट करते हैं।
ये स्मूथ विस्की है, टेस्ट काफ़ी डिस्टिंक्ट है, सब आपको फील कर पाएंगे। इट्स अ फ्रूटी, ड्राई फ्रूट का भी स्मेल आता है, खैर वो बताने का भी टाइम नहीं है, बट ओवरऑल इट्स वेरी स्मूथ एंड वेरी स्मोकी विस्की, नॉट एज स्मोकी एज दिस टीचर्स 50 और ओल्ड दरबार ब्लैक चिमनी, बट इट्स वेरी स्मोकी विस्की। इट्स देयर इज मोर स्मोक देन दिस ब्लैक एंड वाइट एंड ज्यूअर्स वाइट लेवल। तो आई थिंक अगर आप सिर्फ स्मोक फील करना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस स्टार वॉकर, अमेजिंग विस्की, बहुत शानदार। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इन 5 विस्की में अगर आप सच में स्मोक ढूंढना चाह रहे हैं और आपको अगर स्मोक पसंद है तो कौन सा विस्की आपको ट्राई करना चाहिए। ऑफ कोर्स दिस ओल्ड दरबार ब्लैक चिमनी आपको मिलेगी नहीं, इंडिया में आप अगर रहते हैं किसी भी स्टेट में तो आई थिंक टीचर्स 50 इज़ एवरीवेयर अवेलेबल, और अगर आप बजट में जाना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज बाय दिस स्टार वॉकर। तो आई थिंक ये वीडियो आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा, अभी तक आपने अगर देखा है तो डेफिनेटली आप पसंद कर रहे हैं वीडियो को, ज़रूर लाइक कीजिए वीडियो को, फिर से कहूँगा शेयर कीजिए वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।